हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी को मालूम ही होगा टाइगर 3 मूवी एक बड़ी बजट की मूवी बनने जा रही है। यशराज फिल्म की अब तक की ये बहुत बड़ी बजट की मूवी और सलमान खान के करियर में भी ये अब तक की बड़ी बजट की मूवी बन रही है। तो क्या आपको मालूम है टाइगर 3 मूवी बड़ी बजट की है, लेकिन इस मूवी को करने के लिए इसके सुपरस्टार्स यानी कि सलमान खान, कटरीना कैफ और इसके दूसरे सुपरस्टार्स विलन कितने पैसे चार्ज कर रहे हैं? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइगर 3 मूवी के सुपरस्टार्स की, जिन्होंने कितने चार्ज किए हैं इस मूवी को करने के लिए, उनकी सैलरी कितनी है। तो दोस्तों, आपको बता दें इस टाइगर 3 मूवी एक लास्ट मूवी होने वाली है फ्रेंचाइज टाइगर सीरीज़ की। अब इसको बहुत ही बड़े लेवल पे बनाया जा रहा है। इस मूवी का बजट करीब 350 करोड़ है। जी हाँ दोस्तों, टाइगर जिंदा है मूवी करीब 200 करोड़ के करीब में थी, अब ये मूवी उससे भी डबल जा रही है और बड़ी तरीके से इसको बना रहे हैं, तो बजट भी बड़ा ही होगा। तो 350 करोड़ की बजट की मूवी में अब इस मूवी के स्टार कास्ट की सैलरी के ऊपर बात करें तो दोस्तों, पहले नंबर पे हैं डायरेक्टर। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्टर के बिना मूवी नहीं बन सकती। तो डायरेक्टर इसमें मनीष शर्मा हमें देखने को मिलेंगे, डायरेक्शन देंगे, और डायरेक्शन देने के लिए इस मूवी में इन्होंने 8 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। ये अब तक के इनके भी बहुत बड़ी रकम है मूवी में चार्ज किए हैं डायरेक्शन के लिए। तो दोस्तों, अब दूसरी तरफ देखा जाए, दूसरे एक्टर की बात करें तो दोस्तों, शेनोई नाम से आपने टाइगर सीरीज़ में देखा होगा इनको, और इनका ओरिजिनल नेम है गिरीश कर्नाड। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत अहम रोल करने वाले, सलमान खान के साथ आपने इनको देखा होगा। गिरीश कर्नाड ने इस मूवी में काम करने के लिए 50 लाख रुपए चार्ज किए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, अब दूसरी तरफ परेश रावल जी भी हमें टाइगर 3 द फाइनल मिशन मूवी में देखने को मिल सकते हैं। परेश रावल जी का भी ज़बरदस्त फनी रोल भी हमें देखने को मिला, सीरियस रोल भी हमें देखने को मिला टाइगर जिंदा है में। अब ये टाइगर 3 मूवी में काम करने के लिए ये 80 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, फिरदौस नाम से ये देखने को मिलेंगे हमें। अब बात करते हैं दोस्तों मूवी के दूसरे कैरेक्टर की, तो एक लीड रोल के अलावा भी बताया जा रहा है कि टाइगर जिंदा है के बाद ये जो फाइनल मिशन आ रहा है ये स्पेशल होने वाला है, तो इसलिए इसमें हमें आइटम सॉन्ग भी देखने को मिल सकता है। अभी होगा नहीं होगा मूवी आने के बाद मालूम पड़ेगा, लेकिन आपको बता दें आइटम सॉन्ग होगा तो स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल लीड लेडी को रखा जाएगा, यानी कि लीड मतलब आइटम सॉन्ग में आपको लीड में देखने को मिलेगी, और उस लेडी का नाम है नूरा फातेह। जी हाँ दोस्तों, नूरा फातेह इन दिनों में सुर्खियों में है और ये ग्लैमरस है, और इनके ज़बरदस्त आइटम सॉन्ग्स भी ब्लॉकबस्टर हो रहे हैं। तो इस हिसाब से टाइगर 3 मूवी में अगर नूरा फातेह का आइटम सॉन्ग होगा तो नूरा फातेह को 1.5 से 2 करोड़ रुपए, 1.5 से 2 करोड़ रुपए चार्ज करेंगे टाइगर 3 मूवी को करने के लिए आइटम सॉन्ग के लिए। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं एक मेन जो कि हमें दिमाग में आ रहा है कि टाइगर 3 मूवी में विलन कौन देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें हर बार की तरह टाइगर 3 मूवी में यानी कि टाइगर सीरीज़ की जो लास्ट मूवी है उसमें भी हमें नया फेस देखने को मिलेगा। अब बात आती है सलमान खान के अपोजिट में ऐसा कौन सा विलन होगा, तो बता दें आपको इसमें कोई जाना माना विलन नहीं बल्कि नया फेस ढूंढने को मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, अब तक की रिपोर्ट्स को देखा जाए तो टाइगर 3 में नए फेस को देख रहे हैं टाइगर जिंदा है के तरह ही। तो दोस्तों, आपको बता दें राणा दग्गुपति के तरह विलन भी तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि सलमान खान हीरो है और सलमान खान भिड़ने वाले हैं, तो विलन भी ज़बरदस्त तरीके से दिखना चाहिए। तो इस हिसाब से विलन अगर इसमें काम करते हैं तो विलन को 2 करोड़ तक ऑफर करेंगे पैसे। जी हाँ दोस्तों, विलन इसमें अगर आते हैं तो 2 करोड़ तक विलन का अमाउंट जाएगा। इस तरह से ये बड़ी लेवल की मूवी बन रही है। फाइनली दोस्तों, बात करते हैं टाइगर 3 मूवी के लीड हीरोइन की, कटरीना कैफ की। जी हाँ दोस्तों, कटरीना कैफ वन ऑफ द मोस्ट हाई पेड एक्ट्रेस में से भी नाम इनका आया है पहले से। अब ये बहुत अच्छा अमाउंट इसमें भी चार्ज करते हुए हमें देखने को मिलेंगी। जोया नाम से आपको ये मूवी में देखने को मिल रही है, और ये टाइगर 3 लास्ट मिशन है, और इसमें ये 28 करोड़ रुपए चार्ज कर रही हैं टाइगर 3 मूवी को करने के लिए। तो दोस्तों, फाइनली अब इंतज़ार ख़त्म करते हुए सलमान भाई के चार्ज को देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, सलमान भाई टाइगर 3 मूवी करने के लिए कितना ले रहे हैं? तो आप सभी के दिमाग में होगा टाइगर 3 मूवी नाम सुनते ही सलमान खान की फेस हमें देखने को मिलती है। सलमान खान के बिना मूवी इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों, आपको बता दें टाइगर 3 करने के लिए सलमान खान की फीस सबसे ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सलमान खान लीड रोल पे हीरो हैं, ये बताने की बात ही नहीं है। तो आपको बता दें सलमान खान इसमें टाइगर 3 सीरीज़ में काम करने के लिए 130 से लेकर 150 करोड़ तक पैसे चार्ज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी फीस है, और ये मूवी ब्लॉकबस्टर, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो रही है। 350 करोड़ की बजट है इस मूवी का, और ये मूवी 600 से 800 करोड़ तक भी इसका बिजनेस हो सकता है। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड टाइगर 3 मूवी के लिए, हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। और स्टार कास्ट की सैलरी को देखकर आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। वीडियो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए।